सरस्वती जी का हमारे जजेस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जज में जो अभी क्राइटेरिया है, हमने 3 से 4 अलग अलग जजेस रखे हैं। ड्रेस के लिए अलग जज, आपकी जो मेकअप है, जो भी आप लोगों ने अपने लाइक फेस पे वर्क किया है, जो भी अपने बॉडी पे वर्क किया है, उसके लिए एक अलग जज है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको मेकअप के लिए भी एक अलग जज दे रहा हूँ, जिसमें काजल मैम है जो मेकअप आर्टिस्ट है, बॉयज़ की भी एंड गर्ल्स की भी, साथ ही साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। विंती सिंह मैम को नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, मैम ने बहुत सारी अचीवमेंट मॉडलिंग में ली हुई है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर के विनर हमारे अयोध्या टैलेंट हंट के मिस्टर अयोध्या, वो आज आपको जज करेंगे, मिस्टर अभिवेश। इसके साथ साथ अमरेंद्र तिवारी जी, आप सिर्फ गूगल पे अमरेंद्र तिवारी आप सर्च करिएगा, आपको पूरा विकिपीडिया ओपन हो जाएगा, जो कि एक मेथड एक्टर हैं। तो आज का जो मॉडलिंग का शो है वो थोड़ा टफ होने वाला है। अगर आप डिजर्विंग होंगे, मैं आपको बता दूं, 100 में से अगर 100 बच्चे आज टोटल आते हैं, तो 100 में से सिर्फ टॉप 60 सेमीफाइनलिस्ट में जाएंगे, बाकी इसके बाद एक मेगा ऑडिशन और होगा। अगर आज 200 का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो 2 बजे के बाद सारे सीनियर्स आना स्टार्ट होंगे, तो 200 में भी मैक्स टू मैक्स हम सेलेक्ट कर पाएंगे, तो 100 से 150 तक 50 से 60 लोगों को हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सारे के सारे डिजर्विंग हो, तो आप सारे के सारे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और इससे भी टफ जजमेंट होने वाला है सेमीफिनाले में। अब मैं आपको बता दूं, जो ये शो है हमारा मिस्टर एंड मिस अयोध्या, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ अयोध्या, इसके साथ साथ किड्स मॉडलिंग में जो हम टाइटल अभी थोड़ा सा छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस शो से आपको मिलता क्या है, आपको मिलेगा क्या। कई लोगों ने पूछा कैश प्राइज क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूँ, कैश प्राइज इस वजह से नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारे ये टीवी शो के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके लिए ड्रेसेस के एक्सपेंसेस हैं, प्लस मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर जो मैंने आपको ब्लू डेनिम जीन्स और व्हाइट शर्ट बोली है, वो लास्ट ईयर सेमीफिनाले में यूज़ हुआ था। सेमीफिनाले के लेवल का इस बार ऑडिशन हो रहा है, और ग्रैंड फिनाले का लेवल का इस बार आपका सेमीफिनाले होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका मॉडलिंग का भी शो यहीं पर ही हो, हमारा ये हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 1500 रुपीज़ इस वजह से देने हैं, क्योंकि आपको ड्रेस और मेकअप सेमीफिनाले में भी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट आपके सामने हैं, आपकी जज भी हैं, आज आपको ये जज भी करेंगी, और आज मैम को ये आइडिया भी लग जाएगा कि आपके फेस पे आपकी बॉडी पे कितना वर्क करना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ड्रेस डिजाइनर है और जो एक्टर है हमारे अमृत तिवारी जी, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगी, ड्रेस डिजाइनर ड्रेसिंग सेंस को देखेंगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अमृत तिवारी जी हैं, कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन दे कैसे रहे हैं, जरूर अगर जैसे हिंदी में भी आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश अगर आपको ये बोलना नहीं आता कि माय नेम इज प्रफुल्ल साहू, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या फिर माय हॉबी इज दिस, तो फिर मॉडलिंग में अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मॉडलिंग में आप सेमीफिनाले में आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, अभी आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो 100 रुपीज़ में अगर आप सेलेक्ट हो, चाइना सेलेक्ट हो, आपको गारंटीड सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे स्टेट से कोई भी खाली नहीं जाता, पिछली बार भी कोई भी खाली नहीं जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, 1500 रुपीज़ में मैं आपको बता दूं, 1500 में 18% GST हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, 100 में भी 18% GST गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और वी आर द फर्स्ट शो जो कि कोरोना के बाद जिसको परमिशन मिली है, अभी किसी की परमिशन नहीं हो रही है, शादी और उसका क्या बोलते हैं आपका तेरही को लेकर के, इसके अलावा किसी की भी परमिशन नहीं है, तो इसकी परमिशन हमें 50 लोगों की मिली है, तो 50 लोग आज यहाँ पे अवेलेबल है जूनियर में, और 50 लोग सीनियर में अवेलेबल होंगे, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका शो, और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप सब के लिए थोड़ा एक कंपटीशन और एक लेवल अप होने वाला है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और समय ना वेस्ट करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे बीच में रेखा माँ हमारी मौजूद है, जो कि आज का माल्यार्पण करेंगे हमारे सरस्वती जी का। आपको मैं बता दूं, अगर लास्ट ईयर में रेखा माँ ना होती, तो हमारे लिए ग्रैंड फिनाले करना काफ़ी मुश्किल होता, और ये आज की हमारी चीफ गेस्ट हैं, तो मैं आपको बुलाना चाहूँगा प्लीज। आप सारे लोग सरस्वती जी को 2 मिनट के लिए आप याद करें,
और उनसे वंदना करें कि आप आगे सेमीफिनाले ग्रैंड फिनाले तक जाएं। प्लीज तालियां बजाएं, ताली ना बजाएं। और हम अपने टीम मेंबर से वन बाय वन यहाँ पे जितने जजेस हैं वन बाय वन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सरस्वती जी पे फूल अर्पण करें। Team members, all of you.